जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइशी प्रोग्राम देखने वाले तमाम व्यूवर्स को महवर जेब की तरफ से जी बहुत बहुत आदाब और बहुत बहुत सलाम जी। ये प्रोग्राम होता है के2 टेलीविजन पे लाइव बराह रास्त, आप देखते हैं इसे इस्लामाबाद स्टूडियोज से, ठीक है। और इस्लामाबाद स्टूडियो से ये शो होता है रात को, मैं समझी सुबह नहीं, रात को 10 से 11 बजे लाइव, ठीक है। आप देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें होंगे आपकी पसंद के गाने, जैसे इस प्रोग्राम का नाम है फरमाइशी प्रोग्राम, तो इसमें आपकी पसंद के गाने होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा इस प्रोग्राम में आप की पसंद की कॉल्स के अलावा जो है उसमें आपकी फरमाइश ये होगी कि आप कोई भी गाने की फरमाइश कर सकते हैं। जब आप कॉल करेंगे तो आपके पास ये कंटेंट होगा कि आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे ये गाना पसंद है आपकी लिस्ट में, तो प्लीज मेहरबानी करके ये गाना चला दीजिए। एक गाना जो एक दफा चल चुका है वो दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब उस शो के दौरान। अगले एपिसोड में हम लाजमी उसे प्ले कर सकते हैं, लेकिन इस शो में फिर नहीं होगा, एक जो प्ले हो जाए, ठीक है जी। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, ओ मेरा भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो कॉल के लिए जो है वो भी स्क्रीन पे आ रहा है, कॉल के लिए जो नंबर है वो भी स्क्रीन पे आ जाएगा अभी थोड़ी देर तक। कॉल का नंबर जो होगा वो 051 होगा, और व्हाट्सएप का नंबर जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, 0335-4888-434 ये नंबर है, सॉरी हाँ सॉरी, ये निकल जाता है, क्या करें हम ऐसे ही हैं शैतान से शरारती से, तो बोला है कि भाई आप करें फुल शरारत लेकिन ज़्यादा शैतानी आपने नहीं करनी। अब मैं बैठने लगी हूँ तो मैं, मेरी आदत है मैं नीचे होके नहीं बैठती हूँ, मुझे ज़रा ऊपर होके बैठना अच्छा लगता है, तो मैं कुर्सी पर थोड़ा ऊपर होके बैठती हूँ। तो जी आप मेरे साथ हैं जी इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को कहते हैं जी फरमाइशी प्रोग्राम, और आपके जो मैसेजेस होंगे, ठीक है, वो भी शामिल किए जाएंगे फेसबुक पे, आपके जो मैसेजेस होंगे वो भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जो लिस्ट है गानों की वो चल रही है, यासिर हमारे प्रोड्यूसर है, शबीर भाई हैं, वो ये चला रहे हैं गाने, ठीक है। तो आप देखते जाइए, नोट करते जाइए, जो जो सॉन्ग्स आपको पसंद हैं तो उसके लिए कॉल मिलाना जो है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आ गए जी गाने, तो आप कॉल मिलाना शुरू कर दीजिए जी। इस पे नंबर है, नंबर नहीं है, अच्छा इसमें पहला गाना जो है मैं उड़ी उड़ी जावां, ठीक है जी। दूसरा गाना जो है तेरे दर पर सनम चले आए, ओके देखा, ओके नंबर एक, हाँ पीछे कर लूँ आगे कर लूँ, ओके अच्छा कमली दढोला, ये कौन है, ये किसका है, हदीका कियानी का, अच्छा ठीक है, हदीका कियानी का गाना है जी ये, और ये है मैं तू देखा, सॉरी जितने भी देखने वाले हैं, मैं तू देखूंगा, यासिर मदद कीजिए ना थोड़ी सी, ए हट, अच्छा सॉरी, तो थोड़ा सा ये है कि पंजाबी बोलने में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना है, तो प्लीज़ आप नाराज़ नहीं होइएगा जितने भी देखने वाले लोग हैं। ये लाइवली चलेगा शो, ऐसे ही चलेगा जैसे लाइव में होता है ना, कुर्सी टूट जाती है, झुमका गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है, गलत पलत शलत आगे पीछे, तो इसमें यही होने वाला है इस शो में, प्रटेंड करके हम इस शो को नहीं करेंगे, ठीक है जी। वैसे भी मेरा रिकॉर्ड है कि हमसे प्रोग्राम जो है वो अच्छे कभी होते ही नहीं है ज़िंदगी में। अच्छा मेनू नंबर मिला दे, जीशान रोकड़ी, ठीक है जी। और छठा गाना जो है वो हमारे पास निका जिया ढोला, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास गाना है वो है पिंडीवाल, ठीक है। पिंडीवाल के अलावा हमारे पास गाना है सम्मी मेरी वार मैं वारी, अच्छा ठीक है। यारियाँ हैं मोमिना का, और ये कौन है, शफाउल्ला रोकड़ी का है वो समी मेरी वार जो है, और पिंडीवाल जो है वो मलकू का है, ठीक है जी। ये सारे सॉन्ग्स हैं आपके पास, ठीक है। इन सॉन्ग्स को आप सुन तो लिया आपने, लेकिन इसको अब देखना शुरू कर दीजिए स्क्रीन पे, क्योंकि अब ये स्क्रीन पे आ रहे हैं, और स्क्रीन पे आप देखते साथ ही जो आपके पसंद का गाना है उसको आप अपने पास नोट कर लीजिए और मुझे कॉल कर दीजिए, और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज शाम को मेरे साथ बड़ा हादसा हो गया, मेरा नाखून टूट गया। हाँ जी,
तो मैं मतलब जैसे फौदगी हो जाती है ना घर में, इतना मुझ पे वो होता है, दुख का आलम छाया होता है और मैं बड़ी परेशान। फिर उसकी वजह से मुझे अपने बाकी सारे नाखून भी छोटे करने पड़े। तो बस क्या करें, बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए लोगों की, जो लोग देखते हैं और फिर बद्दुआ देते हैं, फिर कट जाते हैं नाखून ऐसे हमारे कहीं ना कहीं जाके। सुबह मैंने इसको जोड़ने की बड़ा कोशिश की लेकिन मैं नहीं जोड़ सकी। ये मेरी कुर्सी को ना आप लोगों ने एल्फी से चिपका के ना अच्छा नहीं किया है, मुझे हिलना होता है ना, या फिर मैं दिख रही हूँ, मैं नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा अच्छा जी, कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अरे आज तो गर्क कर दिया हमने प्रोग्राम को जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कॉल का नंबर आ रहा है नीचे, ठीक है, और व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा है स्क्रीन पे। तो गाने की तरफ चलते हैं, ठीक है, आप लोग कॉल मिलाने की कोशिश करते रहिए तब तक, और हम एक संदरे की तरफ मतलब गाने की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी वापस आ गए, एक मज़े का गाना। मैं ब्रेक में मतलब मेरे लिए तो ब्रेक ही होती है ना जब गाना चलता है, तो मैं नाची थोड़ा बहुत, लेकिन फिर मैंने कहा कि बस अब गाना ख़त्म होने वाला है तो वापस आ जाते हैं। जी नंबर जो है वो बार बार मैसेजेस में यहाँ मेरे से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? हसन इकबाल मरवत पूछ रहे हैं कि व्हाट्सएप का जो आपका नंबर है वो प्लीज़ दोबारा से अनाउंस कर दें, इसलिए क्योंकि स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, पेज की वजह से नज़र नहीं आ रहा। कौन सा पेज है? अच्छा व्हाट्सएप मैं आपको बता देती हूँ, 0335, ठीक है, 4888434, ठीक है, ये नंबर है। और कॉल करने के लिए जो नंबर है वो 051 है, 410 है, 22 है, 9249, यासिर यही है ना? हाँ हाँ 49, ठीक है। तो मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है जी, और मैसेजेस को हम शामिल करेंगे। शादाब खान मेरे पास मौजूद हैं, जब तक हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट होता है तब तक हम फेसबुक के जो मैसेजेस हैं उनको शामिल करेंगे। अच्छा टॉपिक हम आज का ये रखेंगे कि टॉपिक में क्या होगा, टॉपिक में होगा जी कि आपको किस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है, मतलब आपके आसपास जो लोग हैं या आपके आपका जो सर्कल है उसमें ऐसे कौन सी चीज़, जब आप गैदरिंग में बैठे होते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी बात हो जाती है जो कि आपको आपके बारे में हो तो वो आपको बुरी लग जाती है, तो बताइएगा जी इसके बारे में 0514102249। सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है, ऐसा है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आता, जब ज़्यादा अक्ल की बातें होना शुरू हो जाती हैं ना मैं अब इसको पकड़ के रहूँगी चाहे जो हो जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, दोबारा कॉल कीजिएगा जी 0514102249 हमारा कॉल का नंबर है, हमारा कॉल का नंबर है, ठीक है। और इसके बाद जो है व्हाट्सएप का नंबर मैंने अनाउंस कर दिया है, तो आप हसन इकबाल देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, चलो समझ आ गई, गुस्सा आता है कि जब कोई मेरे बारे में गलत बयानी करे। अच्छा जब आपके बारे में कोई गलत बयानी करे, ठीक है जी। मिशी सलाम, वालेकुम सलाम, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको ये पता है कि मैंने स्टेटस दिया हुआ है शो के लिए, तो वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और उनके मैसेजेस शामिल करते हैं इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम मैंने नहीं किए थे तो उनको बहुत बुरा लगा था, और जब किसी को बुरा लगता है तो अच्छा नहीं होता है, इसीलिए किसी को बुरा लगने नहीं देना चाहिए। उर्दू भी मेरी अच्छी है लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं गलत हो जाती हूँ, और जब मैं गलत हो जाती हूँ तो गलत नहीं होना चाहिए, बाद में मुझे पछतावा होता है कि मैं गलत हो गई हूँ, तो बाद में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो तो कहते हैं ना आप तो चला गया, जैसे पहले होता था ना बहुत सारी चीजें चली जाती है, कहते खैर है उसको लाड़ उसको चुन के। जी जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है भाई थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, ठीक है, जब आप कॉल करते हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लिया कीजिए, थोड़ा बर्दाश्त होनी चाहिए आप में कि जब आप प्रोग्राम में कॉल करते हैं बार बार मिलाते हैं, फिर इतनी मुश्किल से जो आपकी कॉल मिली होती है, तो कोशिश करें कि आपके फ़ोन में बैलेंस हो ताकि आप जब कॉल करें तो वो जो आपकी मेहनत है, मतलब आपने 40-50 दफ़ा मिलाया होगा वो आपकी मेहनत होगी, जब वो आपकी मेहनत है वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए, तो आप बैलेंस डलवाएं अपने फ़ोन में और मेरे तक ट्रांसफ़र होने से पहले आपकी कॉल नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। क्या हुआ? ओके नहीं मैं तो वैसे भी उनसे बात करी थी, ठीक है जी, फिर ले लें। जी जी अस्सलाम वालेकुम, जी बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत, मेरे साथ कौन है? गुलाम मुर्तजा साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद से बात कर रहा हूं। इस्लामाबाद में कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं H13 इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। H13 से बात करें, अच्छा मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा क्यों? अच्छा जी, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं क्यों अच्छा लगा आपको मेरा शो? इसमें गाने बहुत मजे के चल रहे हैं। बातें मजे की करती हूँ जी, बातें बहुत मजे की करती है और गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो मुझे ये बताएं आपकी कैसी पर्सनालिटी है, मतलब ज्यादा बातें करने वाले बंदे हैं आप या चुप चुप रहने वाले बंदे हैं? मैं ज्यादा बातें करने वाला हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा बोलता हूँ। बहुत ज्यादा बोलते हैं और कैसे, मतलब जरूरी जरूरी बातें करते हैं या मेरी तरह बोलते हैं बहुत, मतलब किसी भी चीज पे बात कर रहे हैं? किसी भी टॉपिक पे आ जाऊं तो फिर बहुत ज्यादा बातें करते हैं। अच्छा अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में बैठे होते हैं तो अगर कोई आपके बारे में कोई बात कर दे, मतलब कोई भी बात कर दे आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसी क्या बात करने लगे हैं या क्या बुरी एक आपको उनकी बात लगती है कि यार ये बात इसने मेरे बारे में ठीक नहीं बोली है, तो क्या आपको बुरा लगेगा? जो मेरे गलत ज्ञानी से काम है मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्या होता है? तो मेरे मतलब गलत बयानी करे तो मुझे बहुत अफसोस होता है। अच्छा अच्छा, मतलब गलत बयानी है ना? जी 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 जी। अच्छा जी, अच्छा, गलत बयान करे। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे पास हैं जी, शादाब खान कह रहे हैं अब ट्यून किया प्रोग्राम, गुड ट्यून किया करें। सूपी साहब सलाम अलैकुम, आप मेरे पास पीछे K2 में भी पहुंच गए, अब आप मेरे पीछे खैबर मिडिल ईस्ट पे भी आ जाना। अच्छा तो जी रीड किया है आपका मैसेज शादाब, ठीक है। यासिर मुझे व्हाट्सअप भी दे देना। हाँ मिशी, आज आपको सलाम कर रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम, क्या करूँ? अच्छा ठीक है, सही है जी। मैसेजेस आ रहे हैं जी, जहांगीर खान का है, वो कैन टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ। एक तो ये व्हाट्सएप ने ये जो बदतमीज सी चीज़ निकाली है ना कि कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ, इतना मुझे बुरी लगती है ना। जितना अजीब सा बंदा होगा ना बेचारा, लकी मरवत में बैठा होता है गाँव में, जंगी खेल में, मीना खेल में, और वो ये बोलेगा कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैं कहती हूँ इसको मैं क्या बताऊँ, अभी मैं अगर अपने बारे में लोगों को बताना शुरू कर दूँ तो कब तक लोग मुझे सुन पाएंगे? सुन पाएंगे? कभी नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, कोई किसी के बारे में इतना नहीं सुनना चाहता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, मेरे साथ कौन है? जी मैं तफसीला बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। तफसीला इस्लामाबाद से, तफसीला कैसी हैं आप? तमसीला। तमसीला, अच्छा तमसीला कैसी हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। मैंने फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देखा है। अच्छा हाँ जी, बहुत तो, अच्छा लगा है मुझे, थैंक यू। अच्छा तमसीला मुझे ये बताएं, इससे पहले आप K2 पे कॉल करती रही हैं किसी शो में? नहीं मैंने आज फर्स्ट टाइम ही किया है, ये भी मेरे बेटे से मेरी शर्ट लगी थी, मैंने उसे कहा कि मेरी कॉल जरूर मिलेगी। अच्छा अच्छा, मिला के दिखाएं। ओ जबरदस्त जबरदस्त, तो कितनी दफा मिलाई है आपने कॉल? मैंने 4 से 5 दफा मिलाई और माशाल्लाह मिल गई है। अच्छा ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त जी जबरदस्त। अच्छा तमसीला मुझे ये बताया क्या करती हैं, मतलब घर पे होती हैं, जाहिर सी बात है हाउसवाइफ है। घर पे। अच्छा बेसिकली कहाँ से हैं आप? हम लोग गुजरांवाला से। अच्छा गुजरांवाला से मैं, और इस्लामाबाद में कब से हैं आप? बस अब्बू की जॉब थी, फिर अच्छा। उनकी ट्रांसफर हो गई तो फिर हम लोग यहाँ आए, तो फिर वापस ही नहीं गए। वैसे मैं 1.5 साल की थी जब हम आए थे इधर। ओ जबरदस्त जबरदस्त, शादी के बाद भी फ्रीडर ही रहेगी। जबरदस्त, तो अच्छा अब आपने लगातार कॉल करनी है, ठीक है, K2 के और भी बहुत से प्रोग्राम देखने हैं और मेरा शो तो लाजमी आपने देखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको मेरा नाम सिर्फ याद ही रहेगा तमसीला। बहुत जी 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 जी, मुझे याद हो गया तमसीला, ठीक है हाँ जी हाँ, मैं नहीं भूलूंगी, बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तमसीला इस्लामाबाद से थी जी। ये गाना हम तमसीला को, ये यासिर को बहुत पड़ी हुई है तमसीला को डेडिकेट करने की। हम गाना तमसीला को, अपनी जो अभी कॉलर हमारी थी, इनको हम डेडिकेट करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके जी चलते हैं गाने की तरफ। शानो, शानो से आरिफ सर की याद आ जाती है, पश्तो में तो शानो वही हैं जी। सुहेल अनवर मैसेज कर रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम, अपने दिल के खेत में सब्र की खेती काश्त करो, बेशक इसका बीज कड़वा है लेकिन फल मीठा है, अल्लाह हम सबको सब्र शुक्र की नेमत अता फरमाए, आमीन। अच्छा इधर भी लेक्चर शुरू कर दिया आपने, हैं? हम तो रोजाना खैबर सहर
खैबर के सारे चैनल देखते हैं 9 से 12 तक। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है जी, शुक्रिया। अच्छा, अरहम खान ने मैसेज किया है, आप कहाँ हैं 2 दिन से? अरहम, मैं इस वक्त लाइव कर रही हूँ और मेरे पास जी और मैसेजेस हैं, हम मैसेजेस की तरफ जाएंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते रहिए, व्हाट्सएप अभी थोड़ी ही देर में कनेक्ट हो जाएगा। 0335488434, ठीक है, कॉल कीजिएगा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हर कले, सॉरी 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 जी, कौन कहां से? पश्तो में बात करोगे? मैं पठानो, पश्तो में बात करो। नहीं, पश्तो में तो मैं बात करूंगी, लेकिन मुझे पहले आप ये बताएं कि आप उर्दू में क्यों बात नहीं कर सकते मुझसे? हम तो हम कराची से बात कर रहे हैं, हम पठान है, हम पश्तो में आते हैं, मैं तुम्हारा प्रोग्राम शौक से देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले भाई मेरे पश्तो में बात कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जो मेरे पश्तो व्यूअर्स हैं या पश्तो के जो फैंस हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि K2 चैनल है, K2 मल्टी लैंग्वेज चैनल है वैसे तो, लेकिन हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, आप किस भी जबान में बात कर सकते हैं, चाहे वो पश्तो हो और चाहे वो उर्दू हो, पंजाबी हो, पोठवारी हो, किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादा अच्छा होगा अगर मेरे साथ उर्दू में बात करें, क्योंकि मुझे उर्दू ही समझ आती है मेरे भाइयों। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मुझे फजल काकड़ कहते हैं, फ्रॉम क्वेटा सिटी। कौन? फजल काकड़, फ्रॉम क्वेटा। अच्छा, क्वेटा से बात करें, कैसे है मेरा भाई, ठीक है? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भाई क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। एक्सपोर्ट का काम? किस चीज़ का काम करते हैं? एक्सपोर्ट का? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट में क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? यहाँ से स्पेशली राइस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ दुबई, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, दुबई से कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? मैं जो है स्पेशली पाकिस्तान और बाहर मुल्क एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ये काम कब से कर रहे हैं आप? ये तकरीबन बहुत तकरीबन 3-4 साल हो गया हमारी। जबरदस्त जबरदस्त। और एज क्या है आपकी? हमारी एज है तकरीबन, आपकी नजर में क्या होगा? मेरे ख्याल में तो होगी कोई 40 से 45 के बीच में। 32। 32 हैं आप? अच्छा, आवाज से ऐसा लगता नहीं है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं। बात ये है कि यहाँ पे जो थोड़ा मौसम सर्द हुआ है, तो नज़ला, जुकाम, फ्लू, बुखार, सब कुछ है। अच्छा अच्छा, सही है सही है। कहाँ पे बारिश हुई है ये, जहाँ आप रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये क्वेटा में। अच्छा, सही 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 जी, कुछ कहना चाहेंगे? और बस आपकी चॉइस पे कोई पश्तो सॉन्ग हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। अभी चल गया पश्तो का गाना, बहुत शुक्रिया जी। तो पश्तो के गाने के अलावा उर्दू के गानों को भी सुना कीजिए ना भाई। म्यूज़िक देखें, म्यूज़िक जो है ना, मेरे ख्याल से म्यूज़िक की कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, हर तबके का, हर एक जो कंट्री है वहाँ का म्यूज़िक जो है वो बहुत अच्छा है। कोई भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सुनना शुरू करते हैं, हमें समझ नहीं आती उनके लिरिक्स की, समझ नहीं आती, लेकिन म्यूज़िक अच्छा लग जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा से यही मानती हूँ कि म्यूज़िक की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। म्यूज़िक वो जो अच्छा लग जाए, ठीक है। सो हम चलते हैं जी मैसेजेस की तरफ, और मैसेजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अयूब खान और अकजई है हमारे साथ, फारूक हैं, गुलाम मुस्तफ़ा हैं, एहसान खान हैं, तनवीर इस्लाम हैं, मलकीत जो है वो कह रहे हैं इंडिया से, लव यू मैम, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मुराद अली है मेरे साथ, और इसके अलावा भाई आपको तो मैंने ब्लॉक किया था, आप किधर से आ गए फिर? फजल खक्कर जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरे मैसेज को प्लीज़ ज़रूर शामिल करें। सुहेल अनवर कह रहे हैं कि महविश मेरी वाइफ हस्ती हैं, कहती हैं
आप मेरा पीछा करते हैं। हाँ, मैं आप अपनी वाइफ से मेरी बात करवाइए तो मैं उनको बताऊं कि आप की मोहब्बत है ये। मेरा कहाँ पीछा कर रहे हैं आप, तो खैबर का, के2 का और खैबर मिडिल ईस्ट का पीछा करते हैं, है ना सुहेल जी। अस्सलाम वालेकुम, कॉल है ना। अच्छा जी, जी वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। कौन जी? मैं मिसेस परवेज बात कर रही हूँ जी। कौन? मैं मिसेस परवेज बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा, कराची से बात करिए। सॉरी, मैं माजरत के साथ आपका नाम नहीं सुना। अच्छा जी, मैं मिसेस परवेज। मिसेस परवेज, अच्छा मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। और आज मैंने फर्स्ट टाइम आपका शो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा ना। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। और मुझे आपका शो देख के कुछ अभी मुझे रहीम शाह का वो सॉन्ग था ना, मुझे बेसिकली पश्तो तो समझ नहीं आती, पर उनका गाना जो है माँ का ना, माँ मुझको जिताओ ना झूला, मुझे उनका ये सॉन्ग बहुत पसंद है। सही, तो सही। ये मैं अपनी, अगर आप पॉसिबल हो और सुनवा सकते हो तो मैं अपनी वालदा के लिए चाहूंगी कि उसको मैं डेडिकेट करूँ। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी जल्दी आप लोग कॉल पिक कर लेते हो तो मुझे इसका अंदाजा नहीं था ना। जी जी, अच्छा, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका शो। बहुत शुक्रिया मैम कॉल किया आपने। आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हैं के2 के किसी भी प्रोग्राम में? जी मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन अब आपने रेगुलर व्यूअर बन जाना है, ठीक है के2 का? बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा जी, जरूर। आपके पूरी टीम को आपके लिए बहुत सारी ढेरों ढेर दुआएं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, 10:37 हो गए हैं और हमारे पास गाना जो है वो बिल्कुल तैयार है, जैसे नूडल तैयार हो जाते हैं दो मिनट में, बिल्कुल वैसे गाना रेडी है हमारे पास। गाने की तरफ चलते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं। हाँ जी, जबरदस्त ऐसा गाना था, नाचने पे मजबूर कर दिया जी। वापस मैंने एक मिनट भी ले लिया, मैंने कहा जरा मेरा गला बार बार बीच में ख़राब हो जाता है, और जो खुदक खुदक के बोलते हैं ना, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जी। 10:43 हो गए हैं और हमारे पास व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो काफ़ी सारे हैं। अभी केवान सर ने बड़ा मेहनत करके मुझे जो है ना ये सेट करके दिया है, अल्लाह करे कि मेरा जो ये घुटना है कि टखना है ये चल जाए इसके ऊपर, माउस के ऊपर, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे। अभी टाइपिंग हो रही है। आप ब्लैक में बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत शुक्रिया जी। आपका क्या नाम है? प्रोग्राम नाइस एंड योर होस्टिंग इज़ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम टू पार्टिसिपेट माय एनी प्रोग्राम, यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच जी। जल्दी जल्दी मैसेजेस शामिल करते रहेंगे और ये नहीं देखेंगे कि हमें उर्दू आती है कि पश्तो आती है, सब कुछ बस डालते रहेंगे बीच में, ठीक है जी। मिस कॉल मत कीजिए, बहुत शुक्रिया। बुल्ले शाह का कलाम लगा दें जी, लिस्ट में जो गाने चल रहे हैं सिर्फ वही प्ले होंगे, ठीक है। राजा मनान, अभी जी हम जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सॉन्ग प्ले तेरे दर पे सनम, ठीक है जी, वो गलत हो गया था, ठीक है मेरा भाई, माफ़ी, माजरत, सॉरी, ठीक है, बखाना बखाना नहीं, ये सारे सॉरी के कंटेंट है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो हम जा रहे हैं जी, ये आ गया है, हाय अम वकास फ्रॉम, अच्छा वकास खान फ्रॉम बुनेर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मिशी यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अरे मेरा भाई कॉल ना करना, व्हाट्सएप को इंगेज ना कर, ये कौन है, ना करना मेरे भाई ना करना। अच्छा, ये वॉइस मैसेज भेजा है, वॉइस मैसेज यासिर सुनेगा रात को जब जाएगा ना ऑफिस ऑफ करके, तो फिर ये व्हाट्सएप ये सारे लेके ना फिर वो सुनता रहता है और वो करता रहता है, पढ़ता रहता है कि क्या हो रहा है बीच में जी। बहुत शुक्रिया जी आपके दिलों का हमारे लिए। हाँ यासिर किधर गया, यू आर सो नाइस, थैंक यू सो मच। आपने नाम नहीं लिखा, प्रोवाइड सॉन्ग लिस्ट, सॉन्ग लिस्ट नीचे चल रही है, अभी तो शो खत्म होने वाला है, आप अब लिस्ट मांग रहे हैं जी। ये आप ही कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देख रहे हैं, नीलम फ्रॉम खैराबाद। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 0308 हैं ये जो भी हैं, आप ही आप कैसी हैं जी, मैं 0308 बहुत अच्छी हूँ, बहुत शुक्रिया। जो भी होंगे 0308 वाले वो समझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, प्लीज़ ये सॉन्ग लगा दें, सोनी दी चूड़ी सॉन्ग लगा दें। अच्छा, चूड़ी तो कुटाणी को कहते हैं, जैसी मैं काली लड़की को कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन है मेरे साथ? मैं फहद बोल रहा हूँ एहतराबाद से। फहद कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र है, लगा ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फहद क्या करते हैं आप?
मैं शॉपिंग अपनी स्पेयर पार्ट की। क्या करते हैं? स्पेयर पार्ट मोटरसाइकिल बाइक शॉप है अपनी। मोटरसाइकिल की स्पेयर पार्ट्स की शॉप है आपकी? हाँ जी। अच्छा जी, कब से कर रहे हैं ये काम? ये तकरीबन हो गए 5-6 साल। जबरदस्त जी, 5-6 साल हो गए। और एज क्या है आपकी? मेरी एज है तकरीबन 18-19 साल। ना करें, 18-19 साल के तो नहीं लग रहे आप। नहीं, तकरीबन है 25-1 साल। 25 साल है? अच्छा, तो क्यों आप स्टडीज क्यों नहीं करते बजाय इसके कि आप काम कर रहे हैं? स्टडी किया है, जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए कारोबार जरा काम में आ गया। अच्छा, तो आपने सोचा कि चलो, नहीं अच्छी बात है, ये भी वैसे एक हुनर है, होना चाहिए ना, बंदे को आना चाहिए। तो ये आपका अपना बिजनेस है, अपनी शॉप है आपकी? हाँ जी, अपनी शॉप है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी बात है, होना चाहिए, ये पैशन तो होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि जॉब से ज्यादा अच्छी जो चीज है ना वो बिजनेस है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सॉरी, माजरत के साथ, टाइम बहुत कम है, बहुत सारे लोग हैं मैसेज करने वाले। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम आरजू फ्रॉम सरगोधा। मुझे सबसे बुरी चीज ये लगती है कि जब कोई मुझे झूठा साबित करे। अच्छा, तो हर वक्त ये थोड़ी हो सकता है कि हम मुझे कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त सही होना, तो चलो वैसे भी। अच्छा, सलाम, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया जी। मैं नाम नहीं लिखेंगे, मैं ऐसे ही शामिल कर रही हूँ। अरे खुदा का वास्ता है, ये नंबर तब से वाइब्रेट कर रहा है इतना ज्यादा ज्यादा। ये यासिर का नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, कॉल ना करें। ये कॉल करने वाले नाजरीन हाजरीन और सुनने वाले जितने भी लोग हैं ना, जिनके कान सही ठीक ठाक काम करते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि ये यासिर का नंबर है, ठीक है, हमारा प्रोड्यूसर जो है। अब आप कॉल करते रहें, ठीक है, जितनी करनी है। रात को यासिर के पास ही होता है फोन जी। मिशी, यू आर लुकिंग सो, अरे खुदा पाका, ऐसा कहना ना अपनी अम्मा को, अपनी बहन को। अच्छा, मजाक कर रही हूँ सर, थोड़ा बहुत मुझे पता है, बहुत अच्छी बात करती हैं, है आप बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत शुक्रिया जी। इतना सारा करने के बाद तो आप ऐसे कहते हैं मुझे कि बहुत अच्छी बात करती हैं। शो ज़बरदस्त है, पूरी फैमिली सुन रही है। अच्छा, देख नहीं रही मुझे, काश मुझे देखते होते तो और ज़्यादा पसंद करते जी। यासिर, कितना टाइम है हमारे पास? बस, अच्छा ठीक है, हमारे पास संदरा है, सॉरी, हमारे पास गाना है। गाना, गाना नहीं है ये, बेसिकली गाना है, और गाने की तरफ चलते हैं हम, ठीक है जी। जी वापस आ गए हैं और हमारे पास मैसेजेस हैं जी, मैसेजेस की तरफ जाएंगे। मैं न्यू व्यूअर हूँ, एक सेकंड, मुझे डकार आ रही है, मैं क्या करूँ। अच्छा नहीं नहीं खैर है, बस सबा है। सबा है, सबा बस अभी गुजर गया, मतलब इधर हलक में अटका हुआ था, नीचे चला गया। अच्छा, आई एम सबा फ्रॉम लाहौर, यू आर लुकिंग सो प्रीटी, थैंक यू सो मच। मैं और मेरी मामा आपको देख रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। आप ही लास्ट सॉन्ग मेरी पसंद का चला दें। स्वीट हार्ट, मैंने अभी आपका मैसेज देखा है, माफ कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपकी पसंद का सॉन्ग चलाएंगे, लास्ट में पहला आपकी पसंद का चलाएंगे, ठीक है जी। जी हमारी तरफ खुदा पाक, जरा सा तो टाइम दे दो, 72 मैसेजेस किसके आए हैं? एक बंदे ने 72 मैसेजेस किए, ये बड़ा वो है ये। अच्छा, क्या इनाम? यासिर आपको इनाम देंगे जी, सारी रात आपके साथ घंटे वाले पैकेज पे बात करेंगे, ठीक है। माय नेम इज मिर्जा अरसलान बेग फ्रॉम लाहौर, मेरी मदर को सलाम कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा बानो मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, आपको मेरी तरफ से और केटू की तरफ से बहुत बहुत सलाम। प्ले सॉन्ग यारिया, ठीक है जी, कोई बताएं आप ही, क्या बताऊं प्लीज, लास्ट सॉन्ग। अच्छा ये तो वही है यार, खुदाया पाका, बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। 0315 जो है वो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आई एम मस्तानी बाजवा फ्रॉम मस्तानी। आह क्या याद करा दिया, फिल्म याद करा दी। फैसलाबाद, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, आप फैसलाबाद से हैं, मैं बहुत अच्छी लग रही, दिल कर रहा है कि आपको देखती जाऊँ मैं। आप लड़की हैं मस्तानी बाजवा, मेरा मैसेज पढ़े ना जी। जी आपका मैसेज पढ़ लिया है मस्तानी बाजवा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं मस्तानी बाजवा हूँ, मेरे आप बहुत प्यारी हैं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये 0349 हैं, उन्होंने हाय बोला है सिर्फ, ठीक है। ये 0302 हैं, उन्होंने सलाम से ऐसे ऐसे सवालिया निशान डाले हैं, क्वेश्चन मार्क जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। मैं बिलाल कराची, ठीक है जी। मैं महवेश इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शो
अच्छा टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे सब कुछ भूल गया। ठीक है जी, पिंडीवाल गाना, ठीक है जी, वो प्ले हो गया है जी। मिसकाल वाले भाई हैं ये, दानियाल हैं फ्रॉम पिशावर, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू सो मच। हमारे पास 2 मिनट हैं तो मुझे बताएं, फिर एंड पे मैं करूँगी। हंस क्यों रहा है मेरा भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेरे बेटे का नाम कोई सा सॉन्ग नेम कर दें, ये सारे गाने प्रोग्राम में जितने भी चल गए आपके बेटे के नाम, ठीक है भाई। प्रोड्यूसर पढ़ लो, प्रोड्यूसर बेचारे के पास फ़ोन नहीं है प्रोग्राम में, मेरे पास होता है, रात ही उसके पास होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक बंदे ने बहुत सारे मैसेजेस गुस्से से डिलीट कर दिए कि भाई ये पढ़ती तो वैसे भी नहीं है। अच्छा बहुत शुक्रिया, अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं और प्लीज़ मैसेजेस करते जाइए ताकि फट जाए व्हाट्सएप, ठीक है। और ये शो जो है, बिल्कुल ये शो जो है आप रिपीट में देख सकते हैं, ठीक है, कल 4 से 5 बजे तक है ना यासिर, सही बताया ना मेरे, जी बिल्कुल रिपीट में आप 4 से 5 देख सकते हैं, ठीक है। और शो की टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, लाइव जो है आप देख सकते हैं जुमेरात को 10 से 11 बजे, ठीक है। और अब हमारे पास एक मज़ेदार सा गाना है, उसको हम चलाएंगे, हम आपसे इजाज़त लेंगे, मतलब हम मीन्स कि मेरी पूरी टीम और मैं आपसे इजाज़त लेंगे इस मज़ेदार से गाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।